हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम इस लेक्चर में यूजल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पार्स में। यूजल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि अर्थ से लेके और सन तक की डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो उस टाइम पे आप क्या वो डिस्टेंस इजिली मेजर कर सकते हो? मान लो किसी ने मेजर किया और वो आपके पास ऐसे आया, आप इसको ऐसे लिखते गए, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? फिर इतना डिस्टेंस होने के बाद आप इसको कैसे रीड करेंगे? आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे इजीली। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या ली? स्टैंडर्ड फॉर्म एक यूज की, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने डिस्टेंस की बात की। अब मैं आपको बोल दूं कि कोरोना जो वायरस है उसका साइज क्या है। अब उसका साइज आप बोलोगे ये क्या बात हुई, उसका साइज हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वायरस तो ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस था। इसमें जो साइज है कोरोना वायरस का, वो आपका, आप कह रहे हो कि वो इस टाइप से मिल रहा है, तो आपने उसको ऐसे नोट किया, ऐसे नोट करते हो ना। तो जो ये दोनों फॉर्म है, ये जो दोनों फॉर्म है, इन दोनों को आप क्या बोलते हो? यूजल फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? यूजल फॉर्म। ठीक है, ये आपकी यूजल फॉर्म है जो आपको ऐसे दिखाई देती है, या तो बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा छोटी, इसको आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन अब इतने बड़े नंबर को एक्सप्रेस करना मुश्किल है। अब मान लो ये भी मैंने इजिली कर दिया, अगर यहां पे मैं और बहुत सारी जीरो इधर लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं डेसिमल पुट करती हूँ, तो इसको आप फिर कैसे करोगे? इसको भी आप इजीली मेजर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को इजी बनाने के लिए, कि ये इजीली सॉल्व हो जाए, उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपके क्या है? वही जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आपके चैप्टर का नाम है क्या? एक्सपोनेंट। जिसके लिए आप क्या यूज करते हो? एक्सपोनेंट यूज करते हो। जैसे अब इसको आपको नोट करना है, तो आप इसको इजिली कर सकते हो। कैसे? 10 एज इट इज, ये अब इसकी पार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 10 रेज टू पार 17, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर इसमें करना हो तो इसको भी आप कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज टू पावर 0.3 × 10 रेज टू पावर कितनी की थी हमने? 9। तो ये -9 में होती है। अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये माइनस में और प्लस में, ये प्लस वाली तो आप सभी को पता है कि ये कैसे होती है, माइनस वाली मैं आपको बताती हूँ कि माइनस वाली में हम क्या करते हैं। अब माइनस वाली आप देखिए, आपको स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म तो समझ आ गई होगी ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें आप साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हो, जिसमें आप 10 रेज टू पावर यानी बेस लेके कुछ और उसको पार्स में एक्सप्रेस करते हो, और जो यूजल फॉर्म है, यूजल फॉर्म में आप एज इट इज लिख देते हो, जो भी उसका साइज है या डिस्टेंस है, जो भी आपसे बोला गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हो। अब जैसे मैंने आपको ये दिया था 0.0000035, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसमें डेसिमल रिमूव कीजिए, ठीक है, ये तो यूजल फॉर्म है। अब मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसे आता है। जब आप इसको डेसिमल को रिमूव करोगे, तो आप कैसे करते हैं, 35 आपने एज इट इज लिखा, अगर ये जीरो लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, उसको आप डिवाइड करते हो कितने से, 1 2 3 4 5 6 7, आपने जो डेसिमल है वो डेसिमल आपने कहाँ पे, कहाँ लेके आए हो डेसिमल, आप कहाँ पे लेके आए हो, यहाँ पे, तो ये आपने 3 4 5 6 7, इसको आपने 7 से 1 × 7 0 के बाद 10 रेज टू पावर 7, ये आपके पास क्या आ गया, 35 by 10 रेज टू पावर 7। ठीक है, डेसिमल देखो मैंने शिफ्ट किया है, ये वाला डेसिमल हमने शिफ्ट किया कहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कर दिया डेसिमल शिफ्ट, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो
तो यहां पे मैंने 1 × 7 0 पुट की, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 10^7। अब ये डेसिमल यहां आता है, जैसे देखिए मैंने ये लिखा 2.0, तो इसमें ये जीरो लिखो ना लिखो इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, इसमें भी हमने ये डेसिमल यहां पुट कर, ये हमने शिफ्ट कर दिया है। तो ये आपके पास, अगर इसको आप बोलते हो कि नहीं हमें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो आप ये इसको डिनोमिनेटर में भी नहीं रखोगे, तो ये आपके पास क्या आएगा 35 × 10^-7। ये आपके पास एक तरीका हो गया। दूसरा आप क्या, एक्चुअल में हम क्या लेते हैं कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपके पास एक ही डिजिट होनी चाहिए। आपने डेसिमल यहां लगाया ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो 35.0 × 10^-7। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको कैसे रखते हो, ये वाली जो डिजिट है यानी डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है, इसके बाद जो डिजिट है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। यानी आपको ये यहां डेसिमल पुट ना करे, कहां होना चाहिए ये आपके पास, ये यहां ना होके ये यहां होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अब इसको डिनोट करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3.5 × 10^ कितनी आएगी। अब काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 6। अब ये आपका बेसिक था, अब यहां से आप डायरेक्टली अब याद रखेंगे, ये नहीं है कि बार बार आप इसको ऐसे सोल्व करते रहेंगे, अब आप इसको याद रखेंगे। क्या इसमें आपने क्या किया, डेसिमल शिफ्ट किया है, ये डेसिमल यहां था, यहां से आपने कौन सी साइड में, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से आपने शिफ्ट किया राइट में, ठीक है। यहां पे मैं फिर से कर देती हूं, आपने क्या किया, जो डेसिमल था वो लेफ्ट से शिफ्ट किया है आपने राइट में। अगर आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो 10^ जो भी आएगी वो माइनस रहेगी, वो आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है, वो आपके पास पर नेगेटिव रहेगी। और अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे तो मींस अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हो तो आपके पास जो पार होगी 10^ वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे आपने ये है 3000, इसको नोट किया था ना 3 × 10^3, तो एक्चुअल में ये आपने क्या किया कि यहां पे मान लो डेसिमल था, इधर देखिए मान लो यहां पे ये 3000 है, इसको आपने कैसे नोट किया 3 × 10^3। मान लो इसमें मैं यहां पे डेसिमल पुट कर देती हूँ, यहां पे मैंने जीरो लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद ये जीरो, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो की ऐसे में कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसके बाद कोई नंबर होता तब इसकी वैल्यू होती, लेकिन सारी इसके बाद अगर जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक्चुअल में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। अब आपने क्या किया, 3 लिखा है इसको, 3 यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसी को मैंने पहले ऐसे बताया आपको, कट गया ये, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3.000। मैंने आपको दो तरह से बताया, एक तो मैंने ये बताया कि इसी को आप ऐसे नोट कर सकते हो, फिर आप इसी को ऐसे नोट कर सकते हो, 3 पॉइंट है ये, लेकिन जब आप इसको पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, 1, 2, 3, अब आपने किया है ये राइट टू लेफ्ट, अगर आप राइट टू लेफ्ट इधर मूव करते हो तो मैंने बोला 10^ पॉजिटिव आएगी, तो इनटू आप क्या करोगे 10^3। अब ये आप रखो चाहे ना रखो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक्चुअल में आप इसको क्या लिखते हो 3 × 10^3। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ये आपको याद रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट करते हो तो पार नेगेटिव होगी, और अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हो तो पार पॉजिटिव होगी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमने अभी की थी, ये वाली 3000 को आप कैसे नोट कर सकते हो 3 × 10^3, ठीक है, 3 × 10^3। अगर आपके पास ये 0.0034 तो डेसिमल आपको कहाँ पुट करना है,
यहां पे, जब यहां पे आप पुट करोगे तो 1 2 3, अब आप कहाँ कर रहे हो, लेफ्ट से राइट में कर रहे हो, तो पार किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, ठीक है, ये माइनस में चलेगी, -3। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये गिवन है, ये वाली फाइंड आउट करो, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये गिवन है, ये वाली फाइंड आउट करो, ठीक है। जो ये वाली फॉर्म है इसको आप क्या बोलते हो, यूजल फॉर्म बोलते हो, दिस इज यूजल फॉर्म। और जो ये इधर वाले इसको आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हो, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व करना होगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप कन्वर्ट करो 7, यूजल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है 7 × 10⁴, इसको आपको यूजल फॉर्म में करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर पार 4 है तो एज इट इज नंबर लीजिए और उसके बीच उतनी ही जीरो पुट कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव हो, अगर आपको बोला गया 7 × 10⁴, तो आप क्या करोगे, अगर पॉजिटिव है तो आप जो जीरो लगाओगे वो राइट में लगाओगे, और अगर ये नेगेटिव है तो जीरो आप नंबर के लेफ्ट में करोगे। तो आपके पास ये क्या आएगा, 7 ये आ गया, 1 2 3 4। अब आपको डेसिमल लगाना है, कितने के बाद लगाना है, 4 के बाद, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये आपके पास यूजल फॉर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में यही मेनली क्वेश्चन होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछा है ये गया होगा, आप आंसर कुछ और दोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे।